डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रभाकर मिश्रा। आज से क्लास में मैं आपको कंप्यूटर विषय पे गाइडेड मीडिया के तहत आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। गाइडेड मीडिया में मैंने आपको पिछली क्लास में दो केबलों के बारे में बताया था, ट्विस्टेड पेयर केबल एंड कोएक्सियल केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल, आज के क्लास में हम लोग फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में पढ़ेंगे कि फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है। पहले मैं आपको फाइबर ऑप्टिक केबल का डायग्राम बनाता हूँ, आप पहले डायग्राम देखेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फाइबर ऑप्टिक केबल के तहत कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। देखिए आपके सामने ये फाइबर ऑप्टिक केबल का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। ये आपको प्लास्टिक इंसुलेटर है और ये फाइबर ऑप्टिक्स में आपका सिल्वर इंसुलेटर होता है, और ये जो तार आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये ग्लास यानी शीशे से, ठीक है, ग्लास के तार हैं। इनके माध्यम से हम जो है कम्युनिकेशन करते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है इसे 1 बिट, ठीक है, यानी डाटा जो है एक एक बिट करके जो है रिसीवर को पहुंचता है। इस प्रकार से फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से हम कम्युनिकेशन कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल की अपेक्षा बहुत ही अच्छे ढंग से और बिना किसी कंजेशन के आसानी से हो सकता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अनगाइडेड कम्युनिकेशन मीडियम। अनगाइडेड कम्युनिकेशन में हम लोग आज देखेंगे रेडियो वेव और माइक्रोवेव के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें माइक्रोवेव में आपको हम बताएंगे सैटेलाइट के बारे में, कैसे हम लोग सैटेलाइट के माध्यम से कम्युनिकेशन करते हैं। रेडियो वेव क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ कि रेडियो वेव क्या है। रेडियो वेव, रेडियो वेव, ठीक है, रेडियो वेव जैसा कि हम लोग टीवी का फुल फॉर्म सभी लोग जान लेंगे, टेलीविज़न, ठीक है, टीवी टेलीविज़न, टेलीविज़न और रेडियो में पहले जब छोटी छोटी टीवी होती थी, ब्लैक एंड वाइट टीवियाँ होती थी, तो आप लोगों को पता होगा या ध्यान होगा कि घर के छत पे एक एंटीना लगा होता था और उस एंटीना के माध्यम से टीवी को भी रेडिएशन प्राप्त होता था। और आजकल भी ट्रांजिस्टर, जिसे हम रेडियो भी कहते हैं, रेडियो जब बजाते हैं तो उसमें एक एंटीना उठाते हैं, जिसे बोलते हैं सब एफएम एंटीना है, एफएम बजाने के लिए एंटीना उठाना पड़ेगा, है ना। वह एंटीना करता क्या है, एंटीना जो है रेडिएशन को कैच करता है, जिससे हमें कोई भी कार्यक्रम अच्छी तरीके से सुनाई पड़े, आवाज़ जो है वह अस्पष्ट हो जाए। तो रेडियो वेव जो है यह एयर और स्काई, ठीक है, हवा और आकाश में दोनों तरीके से दोनों में काम करता है। इसमें जो है इसकी क्षमता मैं आपको बता दे रहा हूँ, 3 kHz to 16 GHz, ठीक है, यानी 3 किलोहर्ट्ज़ से
16 गीगाहर्ट्ज तक की क्षमता है। इसमें डाटा ले जाने की क्षमता जो है वह 3 किलोहर्ट्ज से जो है 16 यानी 16 गीगाहर्ट्ज तक डाटा ट्रांसमिशन की क्षमता है। और रेडियो वेव का यूज हम लोग टेलीविज़न और रेडियो में करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोवेव। माइक्रोवेव पढ़ेंगे माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव देखेंगे हम लोग। माइक्रोवेव जो है आपका सबसे अधिक पावरफुल और अत्यधिक तेजी के साथ डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए यूज किया जाता है। माइक्रोवेव की क्षमता जो है वह 1-3 गीगाहर्ट्ज तक है, यानी 1-300 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, यानी 1-300 गीगाहर्ट्ज तक डाटा ट्रांसमिशन को माइक्रोवेव आसानी से सुगमता से एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र कर सकता है। माइक्रोवेव दो प्रकार के हैं। पहला है आपका टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव सिस्टम और दूसरा है आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट माइक्रोवेव। टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव आपको जो है मैं आपको बताऊंगा, कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी किसी घर के छत पे एक, जैसे हम लोग अपने घर में टीवी चलाने के लिए एक एंटीना लगाते हैं जो उसे DTH बोलते हैं, DTH की तरह ही एंटीना होता है, लेकिन हमारे DTH एंटीना में क्या है, छतरी होता है और उसमें एक कैसिंग करने के लिए अलग से मशीन लगा होता है, लेकिन उस एंटीना के ऊपर कुछ विशेष प्रकार के जो है मशीन लगी होती है जिसकी क्षमता अलग अलग होती है, ठीक है। इसके माध्यम से हम जो है डाटा को एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यह टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव जो है इसका यूज हम केवल टीवी टेलीविज़न में और FM रेडियो में, कुछ बड़ी बिल्डिंगों में जो है कंप्यूटर नेटवर्क के लिए भी हम करते हैं। जहाँ पे अभी जब मैं आगे आपको लैन के बारे में बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि लैन कैसे लैन में काम करते हैं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क में इस एंटीना का क्या उपयोग है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा सैटेलाइट, सैटेलाइट के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट हम लोग ये जानते हैं ना कि सैटेलाइट जो है सरकार जो है या बड़ी कंपनियाँ जो है DRDO जो हमारा है उसके माध्यम से सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, और हम लोग यही जानते हैं कि सैटेलाइट से रेडिएशन मिलता है, लेकिन ये जो है गलत। हमें रेडिएशन कहाँ से मिलता है, रेडिएशन का हमारा एक अपना केंद्र होता है, ठीक है, उसके सेंटर अलग अलग शहरों में हमारे देश में बनाए गए हैं। जैसे हमें इंटरनेट चलाने के लिए जो है उसका मेन केंद्र बंगलौर या चेन्नई में है, ठीक है, वहाँ जो केंद्र है उस केंद्र के माध्यम से, ठीक है, उस केंद्र के माध्यम से रेडिएशन जो है सैटेलाइट को दिए जाते हैं, और सैटेलाइट जो है 6 हर्ज तक, ठीक है, 6 गीगाहर्ज तक के रेडिएशन को सैटेलाइट कैच करता है, ठीक है। कुछ वैसे सैटेलाइट का फिगर बनाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, और यह सैटेलाइट पुनः 4 गीगाहर्ज, ठीक है, यानी जो केंद्र से 6 गीगाहर्ट्ज का रेडिएशन सैटेलाइट को प्राप्त हुआ वह रेडिएशन हमारे सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में, मोबाइल में, टीवी में, इन सभी को जो है केवल 4 गीगाहर्ट्ज तक ही प्राप्त होता है, वह भी मोबाइल के टावर, जो हमारे मोबाइल के जिस
टावर लगे होते हैं जगह जगह पे, आपने देखा होगा, तो वह टावर जो है इस रेडिएशन को पहले कैच करते हैं। ठीक है, रेडिएशन को पहले टावर कैच करेंगे, फिर उसके बाद वो जब रेडिएशन टावर के माध्यम से जब मिलेगा तब हमारे मोबाइल या टीवी या अन्य डिवाइस जो है हमारे जितने भी हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उन सबको प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग जो है आर्टिफिशियल सेटेलाइट यानी जो माइक्रोवेव के तहत है, माइक्रोवेव आर्टिफिशियल सेटेलाइट है, उसे प्राप्त होता है। ठीक है, और यह सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे अत्यधिक पावरफुल और अत्यधिक डाटा ले जाने में सक्षम है। ठीक है, अब मैं आपको अगले नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डाटा ट्रांसमिशन कैसे होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, यानी मॉड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। धन्यवाद।